रादौर के गांव जठलाना के पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने के लिए 100 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल काफी चर्चाओं में है, क्योंकि एक तरफ तो पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ नदी में दोनों तरफ यमुना नदी की धाराएं मोड़कर खनन एजेंसियां नियमों को ताक पर रखते हुए पुल को बनने से पहले गिराने के काम में लगी हुई है, क्योंकि महज कुछ ही मीटर दूरी पर दोनों तरफ खनन का काम जोरों पर है। शिकायतकर्ता वरियाम सिंह ने बताया कि यहां पर दिन रात खनन एजेंसियां अपने काम में लगी हुई है। यहां तक कि विभाग भी मान चुका है कि यहां खनन गलत तरीके से हो रहा है, जिसके चलते विभाग ने अधिकारियों को इस बारे में पत्र भी लिखे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई। देखिएगा, गुंथला जठलाना क्षेत्र को जिस तरह से 100 करोड़ से अधिक लागत का पुल निर्माण गुंथला नगली घाट पे हुआ है, यह हमारे क्षेत्र को मौजूदा हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी सौगात है और हम दिल से धन्यवाद करते हैं क्षेत्रवासी हरियाणा सरकार का कि उन्होंने हमें हमारे क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात पुल निर्माण करवा के दी। लेकिन कुछ गैर कानूनी रेत खुदाई करने वाली यमुना नदी के अंदर जा करके पुल के बहुत ज़्यादा समीप जा करके खनन करते हैं, जिससे पुल की सुरक्षा को खतरा है। ये मैं नहीं कहता, ये विभाग भी कहता है। विभाग ने भी पत्र जारी किया हुए हैं कि पुल के पास जो खनन एजेंसियां जो खनन का कार्य करने वाले खनन कर रहे हैं उससे पुल को खतरा हो सकता है, और उन्होंने अपने उसमें पत्राचार में दो खनन एजेंसियों के नाम कैंसिल करने बारे भी लिखा, लेकिन फिर भी खनन जो है वो पुल के पास आकर के हो रही है। इस पुल पर दो प्रदेश की जनता आगमन करेगी और इस पर जो आगमन है वो भारी रहेगा, क्योंकि नज़दीक कोई भी यमुना नदी पर पुल नहीं है। और देखिए, अगर आने वाले समय में पुल संचालित शुरू होने के बाद अगर कोई हादसा होता है इस खुदाई की वजह से, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पुल निर्माण का कार्य जब हो रहा है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी इंस्पेक्ट करने की है, माल गुणवत्ता चेक करने की है, वो अधिकारी कहाँ हैं? वो अधिकारी क्यों चुप हैं? वो केवल पत्राचार में ही पुल की सुरक्षा कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर कुछ मिलीभगत अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए कागजों में पुल की सुरक्षा कर रहे हैं, जो कानूनन गलत है। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनता हित के लिए, जनता सुरक्षा के लिए इस पुल के पास जितनी भी खनन एजेंसियों ने या किसी ने भी खनन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पुल बनाने वाली कंपनी की भी जांच करवाई जाए कि इसने किस कसौटी और गुणवत्ता से मटेरियल लगाया है इस बारे में, क्योंकि ये जनता से जुड़ी बात है, ये आने वाले समय की बात है, ये आने वाले भविष्य की बात है कि पुल निर्माण जब हो रहा है कोई बड़ा हादसा इस खनन करने से ना हो जाए। वहीं जब इस बारे में जिला उपायुक्त से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यदि पुल के पास अवैध तरीके से खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और पुल के बनने से पहले ही इस तरह का काम हो रहा है, तो वहां उचित कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से अमल में लाई जाएगी। जैसा ही हमें किसी भी अवैध माइनिंग के बारे में पता चलता है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी जैसे आपने मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं कि वहाँ पे माइनिंग हो रही है और बिल्कुल ब्रिज के नज़दीक हो रही है, तो इससे मैं तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की रिपोर्ट लूँगा, उसको जो भी नेसेसरी एक्शन है उसमें वो लिया जाएगा। आपको बता दें कि यमुनानगर में अंग्रेजों के समय का बना ताजे वाला बैराज भी खनन की भेंट ही चढ़ा था। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज को भी खनन की वजह से काफी क्षति पहुंची थी, लेकिन अब फिर जठलाना में इसी तरह का काम हो रहा है। देखना होगा प्रशासन इस पुल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत से इसी तरह खनन का काला कारोबार लगातार जारी रहेगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।